शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हरियाणा की राज्य महासचिव। मेरा नाम अनूप गौड़, असी तरन तारण जिला, अमृतसर जिला, गुरदासपुर जिला, सारे लोग इन जिले से आए हैं। हम कर्नाटक से गदग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मेरा नाम शोभा सिंह है, हम बिहार से आए हैं, गया जिला से। आज हम गुजरात से आए हैं और कम से कम मतलब 300 लोग हम लोग आए हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है अदिति। हम आज जंतर मंतर पे पहुंच गए न्यूज क्लिक की तरफ से कैमरा पर्सन त्रिना के साथ। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की तादाद में महिलाएं आई हैं, आज जंतर मंतर दिल्ली में जुड़ी है आंगनवाड़ी अधिकार महापड़ाव के लिए। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आज चार दिन के महापड़ाव के लिए 26 से लेकर 29 तारीख तक ये महिलाएं देश भर से यहाँ क्यों आई हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं। इससे पहले आपको बता दें, याद दिला दें कि ये वही आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान पे खेल कर जो एसेंशियल बेसिक नीड्स हैं वो जनता तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन इनका कहना है, इनका मानना है कि इसके बावजूद इनको ना ही वर्कर की तरह देखा जाता है सरकार की तरफ से, इनको वर्कर की तरह पहचाना नहीं जाता है, इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। और इनकी इसके अलावा क्या मांगे हैं इस आंदोलन के बाद, क्या ये जानने के लिए आइए इनसे बात करते हैं। इस आंगनवाड़ी अधिकार महापड़ाव, सो दे आर आस्किंग डिमांडिंग देयर राइट्स। वन इज इमीडिएट डिमांड इज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन एन ऑर्डर ऑन 25th ऑफ अप्रैल that Anganwadi workers and helpers should be given gratuity. They have the right for gratuity. But till now the government has not taken any step towards that. So one is the gratuity. सरकार ने अभी दो महीने में उन्हें लागू किया था कि ग्रेच्युटी जो रिटायर होकर ग्रेच्युटी दिए जाएगा, तो अभी तक उन्होंने कुछ भी किया नहीं है, ग्रेच्युटी दिया नहीं है और अभी तक चालू भी नहीं किया, इसलिए और हम मेरी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। हमको 17 इयर्स हुआ, 21% 21,000 पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट देना का सरकार वाले भी ग्रेजुएटी सक्सेस करे वो भी नहीं हो रहा, वो भी हमको करना, ग्रेजुएटी देना हमको। साडे हक, साडे हक। सेकंड, देयर आर एनी अदर्स अगेंस्ट द न्यू education policy where the Anganwadi centers are being merged with the regular education system. और निजीकरण, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पे प्लेवे स्कूल का नाम देके हरियाणा के अंदर भी 2000 से ऊपर आंगनवाड़ी सेंटरों को प्लेवे स्कूल का नाम देके एनजीओ के हवाले कर दिया। इससे साफ पता चलता है सरकार इस स्कीम को तहस नहस करके खत्म करना चाहती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। मानधन नको, वेतन हवे, मानधन नको, वेतन हवे, मागतो आमच्या हक्काचा, देन देयर डिमांड फॉर रिकॉग्निशन एज वर्कर्स। द 45th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हैज रिकमेंडेड that the Anganwadi workers and helpers, the ASHAs, midday meal workers and National Child Labour Project, teaching and non-teaching staff and other scheme workers, they should be recognized as workers. मेरा मांग है कि वेतन बढ़ाए सरकारी करे, कर्मचारी घोषित करे। शिक्षकी कर को हमको पुकारते हैं, नहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ते ही कहते हैं, शिक्षकी कर को हमारे टीचर कर को बोलना। They should be paid minimum wages and they should be provided social security benefits. ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ ਨਾ 2004 ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲੈਣਾ ਆ ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੈਸਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਮ ਲੋਕ ਕੋ ਬੇਤਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ 6 ਮਹੀਨਾ ਪਰ। हम लोग को पहले हस्बैंड थे से बाहर काम करने आते थे, जैसे दिल्ली है, कोई हरियाणा, कहीं जाने जाते थे, काम करके लाते थे। अब वो भी बंद हो गया, हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को सरकार समझ नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत कष्ट में, सबसे बहुत कष्ट से चला रहा है अपना घर। ड्यूरिंग द पैंडेमिक आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स वर इन द फोरफ्रंट इन कंडक्टिंग द सर्वेस, आइडेंटिफाइंग द पेशेंट्स एंड डूइंग दिस थिंग। But even then, despite their service, despite their increasing working hours and workload, their minimum demands are not being met. Corona के time तो हमको आशा नहीं है गजेंद्रगढ़ पे, हम ये गदग जिला गजेंद्रगढ़ में रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं ना, ग्रामीण में तो हमको आशा रहते हैं, तो हमको गजेंद्रगढ़ से आशा नहीं है कोनी। आशा कार्यकर्ता का काम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही करना पड़ेगा, उसलिए हमको बहुत तकलीफ हो गया।
हम लोग कोरोना में बहुत काम किए, सभी महिले लोग जितने सेवका हैं, हम लोग सेवका सहायिका दोनों बहुत हॉस्पिटल में भी काम किए, सभी लोग को बुला करके घर घर से सब को सुई दिवा टीकाकरण करवाए, और उसके बाद भी हम लोग को ना हम लोग को गर्जन बोले प्रोत्साहन राशि मिलेगा, प्रोत्साहन राशि भी आज तक नहीं मिला हम लोग को। हम लोग बोले भी कि मैडम इतना हम लोग काम किए हैं, प्रोत्साहन राशि सरकार बोलता है कि प्रोत्साहन राशि मिला है, अभी तक हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं। कोरोना में भी हम घर घर जाके किट पहुँचाए, घर घर जाकर लाभार्थी को समझाए, कौन बगैर मास्क भी नहीं थे और बिना सिक्योरिटी के बिना हम ये काम करा सरकार को, इसलिए सरकार को भी हमें हमारी आवाज़ दो सरकार, ये हमको बहुत मुश्किल बन गए। कोरोना में इंजेक्शन, फर्स्ट इंजेक्शन आया तो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ते ही डालना, सब भी घर घर को जाको सर्वे करेंगे, सर्वे करना भी हमारी काम, सब हमेश करें, बहुत तकलीफ हो गया हमको। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ICDS का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। The main thing is the policies that they pursue, whether it is the earlier government or the present government. The main policy is that a part of the neoliberal policies is that the government withdraw from the welfare benefits, curtail the expenditure on welfare benefits, and ICDS is one of the very important service which is providing benefit to the women and children, particularly from the poor and oppressed sections, the Dalits, the Adivasis and other poor sections, unorganized workers, poor agricultural workers, poor peasants. It is the children and women from those families who attend the Anganwadi centers. So the government is ready to spend lakhs of crores of rupees in providing incentives to the big corporations, but for the Anganwadi workers and helpers, or for that matter for the any scheme workers or the poor, they are not ready. So it is not the question of women, it is mainly which policies you support. और भी PMY की योजना निकली तो PMY की योजना को बोल सब गरबा को ऑनलाइन कीजिए, सब लाभ मिलेगा। और अभी एक महीने में ऐसा बदल दिया कि वो मुख्यमंत्री मातृत्व योजना लगाकर उसने बोले कि प्रथम सगर्भा को लाभ दिया जाएगा। अभी सरकार जो ये पोषण ट्रैकर ऐप के नाम पे जो एक राशन से वंचित करना चाहती है, कुपोषिता को जो खत्म करने का ढिंढोरा पीट रहे उसको और ज्यादा फैलाना चाहती है सरकार, इसके खिलाफ हम आंदोलन पूरे भारत के स्तर पे शुरू कर। हम लोग को अभी पोषण ट्रैकर के लिए इतना दबाव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सुपरवाइजर लोग दबाव दे रहे हैं, CDPO दबाव दे रही है कि पोषण ट्रैकर के लिए आप मोबाइल दीजिए, हमको दिए हैं, घटिया दिए हैं, चलता है थोड़ा सा चलेगा, उसके बाद हैंग कर जाता है मोबाइल। ICDS में इतना परेशान हो रहे कि वो पोषण ट्रैकर रोज हर हर रोज सुबह सुबह में आज ये काम करने का है, आज ये पोषण ट्रैकर करने का है, सगर्भा का ये करने का, सब नई नई योजनाओं निकाल के और जबरदस्ती करवा रहे हैं कि आधार कार्ड बच्चे लोग का नहीं है, जबरदस्ती और जबरदस्ती से बोल रहे हैं कि आधार कार्ड लिंक करो, फिर भी हम आधार कार्ड घर घर जाके हम उन्होंने आधार कार्ड लिंक किए, और उसमें भी हमको ऐसे हो रहा है कि जो जबरदस्ती कर रहे हैं कि आधार कार्ड नहीं है, फिर भी हमको जबरदस्ती करवाए कि तुम ले के जाओ, और हम जिले में लेके गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कद बोलते हैं, लेडीज को क्या ही कीमत नहीं है, काम इतना कर लेते हैं, पेमेंट नहीं है। कर्नाटक में तो बहुत ही लेडीज को बहुत ही क्या भी इज्जत ही नहीं है। कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब किस्म और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने है रूप सब ये दिखाती है रोटियां, जब आदमी के पेट में जाती है रोटियां।